पहला दिन है हमारा डबलिन में। क्या कह रहा? हम जा रहे हैं बाहर, पहला दिन है आज, फर्स्ट डे हमारा डबलिन में। कहाँ रुके हम? होटल कौन सा? अकेडमी प्लाजा। होटल अकेडमी प्लाजा। अभी रूम टूर करवाएंगे, थोड़ा गंदा पड़ा है, बाद में इसकी एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। अभी तो ये जो व्लॉग होगा ये होगा हमारा आज, मतलब हम ढूंढने जा रहे हैं क्योंकि खाना यहाँ पे होटल में थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा बाहर से क्यों ना खाया जाए। और बाकी दिखाते हैं डबलिन का कैसा नज़ारा है। और अभी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, मतलब पासपोर्ट वगैरह के अलावा थोड़े बहुत यूरो पड़े हमारे पास, हैं थोड़े बहुत यूरो पड़े हैं अभी अकाउंट। तो चलो बाकी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तेरा अलार्म बज गया किस चीज़ का? ये तो पता करना पड़ेगा यार, तेरे एक तो अलार्म बंद कर। मोहित भाई रेडी? रेडियो भाई। चलो फिर बाकी ये रूम से बाहर का नज़ारा अगर आपको दिख रहा हो कैमरे से, ये हमारे बाहर का नज़ारा है। बाकी मिलते हैं थोड़ा बाहर जाके, बाहर का नज़ारा दिखाइए, बाकी बाहर जाके मिलाते हैं आपको क्या है क्या सीन है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्लैट की व्यूइंग करने और हमें नहीं पता हम कहाँ है, बड़ी मुश्किल से तो हमें ये ना एक कार्ड लगाना आया। किसका? लीप, किसका बोलते हैं, लीप कार्ड? नहीं, लीप कार्ड दूसरा था ना, टिकट है। ये टिकट थी मतलब किसकी? ट्रेन लुइस की, जो यहाँ पे मतलब एक जो सड़कों पे ट्रेन चलती है, कम से कम आधे घंटे में हम इसको लगा पाए हैं। ये लगा ले साहब, मतलब देखो चीज़ें होती हैं नई, आपको एकदम समझ नहीं आती, फिर हमने काफ़ी लोगों से हेल्प करी। अब भी हमें ये समझ नहीं आ रहा इस कार्ड का करना क्या है, कि हमें आप इसको फिर टच करना है या क्या करना है, बट जो भी अभी हम अपने तरीके से ही कर रहे हैं फिलहाल। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी हमारी व्यूइंग है, वो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा बंदा जिसने मैं अपना नंबर वंबर दिया था, कॉन्टैक्ट नंबर। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई आज ऐसा हुआ, देखो फर्स्ट टाइम था आयरलैंड में, ठीक है, हमें खाना था क्या, मतलब बर्गर वगैरह खाना था। हमारे पास दो ऑप्शन थे, मैकडी का और हमारे पास ऑप्शन था किसका, बर्गर किंग का। तो हम, मैं, ये मोहित, ठीक है, हम गए बर्गर किंग। हमने बोला वहाँ पे हमें वेज चाहिए, मतलब इन दोनों ने बोला, ये दोनों ऑर्डर दे के आए थे, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा हम शुद्ध शाकाहारी। तो ऐसा हुआ, इन्होंने बोला कि हमें वेज चाहिए, हमने वेज करवाया, लेकिन भाई उसमें इतनी मतलब पहले तो उसकी जो क्या कहते हैं उसके बीच में जो होता जो उसके बीच में टिक्की थी ना, मतलब जो हमारे इंडिया में होती है, मतलब आलू की, वो पता नहीं या तो सोया की थी या किसी और चीज़ की थी, और उसमें टेस्ट ऐसा आ रहा था जैसे पता नहीं बीफ का हो या किसी का। तो ये हमारे प्योर बिल्कुल शुद्ध, मतलब क्या कहते हैं उसे, शाकाहारी, ये भी और ये हमारे जाट साहब भी, दोनों शाकाहारी, मैं भी शाकाहारी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं मोकाटेरियन हूँ, ठीक है। तो हमने वो खा लिया, उसके बाद जो हमारी हालत हुई, अब हमें पता नहीं, वैसे तो वेज था ही, कन्फर्म था वेज, क्योंकि हमने दो बार पूछा था उससे, लेकिन ये होता मन में फीलिंग आ जाती है फिर वो वाली। तो भैया देख दाख के बर्गर किंग का मैं तो बोलूँगा, मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल मैंने तो एक ही बर्गर ट्राई करा, तो कृपया जो भी नए बंदे हैं ना जो वेज वाले हैं वो थोड़ा बचे बर्गर किंग से। तो भाई थोड़ी मतलब रूम के लिए हम थोड़ा शॉपिंग करके आए थे, कहाँ से, टेस्को से। तो जो चीज़ें लाए हम उसके आपको रेट बताया था, अभी प्रॉपर वीडियो टेस्को पे कभी किसी दिन और बनाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल जो मैं लेकर आया हूँ ये 500 ml है ना, ये दूध है, ये पड़ा था मैं 0.90 सेंट्स का, वहाँ पर और भी वैरायटी है वो आपकी मर्जी है। तो ये हमारे 7 पैक का जो मतलब एप्पल है ये हमें पड़े हैं 1.75 यूरो के। और इसके बाद जो चीज़ दूसरी है वो है बनाना, ये सब हमने ब्रेकफास्ट के लिए लाए क्योंकि ब्रेकफास्ट जरूरी होता है करना सुबह का टाइम। तो हमारे बनाना का 5 पैक है इसमें, ये है 1.33 यूरो का, मतलब खाना तो सस्ता है, मतलब जितना भी हम खाना लेकर आए हैं सिर्फ 10 यूरो में पूरा हमारा आ गया, मतलब जो भी एक दो दिन का जो भी होगा, क्योंकि अभी हम ग्रोसरी शॉपिंग कर नहीं रहे ज़्यादा। ये है हमारा कोई जूस जो भी हमें टेस्को से लिया है, और ये है हमारा 2.45 का, और ये देखो काफ़ी बड़ा पैकेट है ये, ठीक है। और इसके बाद जो चीज़ ली हमने वो ली है एक कॉफ़ी पाउडर, क्योंकि क्या है होटल में हम चाय बना नहीं सकते, तो कॉफ़ी और शुगर हमारे पास है ही, घर से लेकर आए थे चीनी विनी हम थोड़ी सी,
तो ये पड़ी है हमें नेस्कैफे कॉफी, ये पड़ी है 3.99 की, मतलब काफ़ी अच्छी कॉफ़ी, हमारे मतलब इंडिया की तरह नहीं है, मतलब पतली पतली काफ़ी, इसके जो पॉइंट मतलब जो भी इसके अंदर की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हार्ड है मतलब, ठीक है। तो ये हमारा टेस्को का सब कुछ सामान था, ठीक है, बाकी और जो भी कुछ करता हूँ मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस डबलिन में। मैंने थोड़ी बहुत ग्रोसरी ली है क्योंकि अभी तो होटल में है सिर्फ, और बाकी ब्लॉग भी आते रहेंगे। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा मतलब सपोर्ट दे दो तो मुझे भी अच्छा लगता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।